हेलो जी, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो ये देखिए, अभी बारिश लगी हुई है। आज तीसरा दिन है बारिश का, बारिश जा नहीं रही है, यानी कि थोड़ी थोड़ी बारिश लगी रही है। कभी कभी ज़्यादा हो रही है, कभी कभी थोड़ी थोड़ी लग रही है। अभी आपको लेके चलती हूँ नींबू के पेड़ के पास। ये देखिए, नींबू गिरे हुए। रात को ना बहुत आवाज आ रही थी नींबू गिरने की, तो देखती जाके नींबू गिरे नहीं गिरे। देखिए गिरा है, अब इसको उठा लेती हूँ। पानी पानी हो गया सब जगह। मिर्ची का पौधा भी टीढ़ा हो गया है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो अभी हम मेरा जो नाश्ता है और लंच दोनों बनके रेडी हो गए हैं, और इस वक्त टाइम हुआ है 9 या 9:30 हो रहे हैं। तो अभी हमने नाश्ता नहीं किया है, क्योंकि पहले मैं गाय को रोटी खिलाती हूँ, उसी के बाद मैं नाश्ता करती हूँ। और वैसे भी ना, मैं गाय को रोटी खिलाने जा ही रही थी, तो मेरे साथ एक स्टोरी बनी, तो वो आपके साथ शेयर करूंगी। और फिर से मेरे को वो, यानी कि रोटी बनानी पड़ी गाय के लिए। और आज शायद गाय माता को कुछ अलग खाने को मन था, इसलिए वो रोटी शायद मेरी बनी फिर से। तो मैं पहले गाय को रोटी खिला देती हूँ, फिर आपके साथ वो बात शेयर करूंगी। तो चलते हैं अभी, अब दिखा देती हूँ आपको कि मैंने गाय माता के लिए क्या लेके जा रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने चीनी और मलाई ली हुई है। शायद आज गाय माता को यही खाने को मन होगा। तो चलते हैं अभी, पहले रोटी को खिला देती गाय माता को, नहीं तो गाय चली जाएगी। इधर पास मेरे को दिख गई थी गाय। तो देखिए, आज पास में ही बैठी है गाय माता। तो अभी मैं खिला देती। तो मैंने गाय माता को रोटी खिला दी है, और शायद ये वही गाय माता लग रही है जो एक दिन हमारे गेट के सामने आई थी। और ये हाशनिगार का पेड़ है, ये घर के सामने बहुत अच्छा होता है, इसको शुभ मानते हैं। और इसका फूल पत्ते और इसकी जो शाल होती है, यानी कि उसका छिलका पेड़ का, बहुत ही गुणकारी होता है, हर चीज़ इसके काम आती है। तो वैसे भी इसके जो फूल रात को लगते हो, सुबह खिल के नीचे गिर जाते हैं। ये देखिए, फूल भी दिखा रही। अगर आपको भगवान जी को चढ़ाना है ये फूल, तो नीचे से ही उठाना पड़ते हैं। और वैसे भी शिव भगवान को तो ये बहुत प्रिय है फूल। तो ये देखिए, फूल की जो है ना कलियाँ लगी हुई हैं, और फूल खिले नहीं हैं, ये रात को ही खिलेंगे और सुबह होते ये नीचे गिर जाएंगे। तो मैं अभी रोटी खिला के आ गई हूँ गाय को। और पता क्या हुआ था ना, पहले मैं जो रोटी लेके जा रही थी गाय के लिए, तो जैसे ही मैं गेट से बाहर निकली, तो एक बुढ़िया जा रही थी, और वो वैसे भी बैठी रहती थी इधर उधर। तो पहले भी मैं उसको खाना खिलाती थी, और लॉकडाउन के कारण भी मैं बंद हो गया था, और वैसे भी मेरे को मिल नहीं रही थी वो। और 2-3 दिन पहले भी मैं रोटी लेके गई थी, तो नहीं मिली मुझे, फिर मैंने बंद कर दिया फिर लेके जाने के लिए। तो आज अचानक फिर से वो मेरे को मिली, जैसे ही गेट से निकली तो मिल गई। तो मैंने सोचा अभी ये गाय की रोटी बनाई मैंने, तो क्या करूं अभी, नहीं सोचा गाय को खिला के आती हूँ। फिर मेरे मन में फिर आया कि ये भूखी है, गाय को तो मैं फिर से भी बना के खिला सकती हूँ, लेकिन ये बेचारी भूखी होगी, तो इसको ही मैं दे देती हूँ रोटी। तो मैं गाय को रोटी जो देती हूँ गुड़ डाल के ही देती हूँ, तो मैं सोचा ये कैसे खाएगी, और वैसे ही थोड़ा ही उसमें गुड़ था, तो मैं सोचा कैसे खाएगी। फिर मैं वापस आई घर, तो उसमें जो मैंने छोले बनाए थे सुबह लंच के लिए, तो वो मैं थोड़े से डाली रोटी में, फिर उसको लपेटा और पॉलिथीन में डाल के उसको फिर दे के आए। तो मेरे को फिर तसल्ली हुई कि मैं अभी इसको दे दी रोटी। फिर जैसे आए ना, तो मेरे को गाय भी दिख गई पास में ही। और वैसे गौशाला आपको पता ही कितनी दूर है, तो वो गाय भी पास में मिल गई मेरे को। तो मैं सोचा चलो जाती फटाफट एक रोटी बना के गाय माता को। कुदरती की खेल है ना, जैसे मेरे को मन में रहता था कि मैं इसको जो अम्मा है इसको खाना दूं, ताकि मैं, हम लोग पहले क्या है ना, सुबह मॉर्निंग में दूध के लिए जाते थे, तो मैं उसके लिए 2 रोटी पक्का लेके जाती थी, तो उसको रास्ते में मिलती थी, मैं उसको दे देती थी सुबह। तो अभी वो हम दूध लेने भी नहीं जाते हैं सुबह, तो अभी शाम को ही जाते हैं, तो इसी चक्कर से फिर अभी वो मिलती भी नहीं है। तो आज वो मिली तो मैं दे दी उसको रोटी, और फिर गाय को मैं 2 रोटी लेके गई थी ना गाय के लिए, तो उसमें जो गुड़ डाला था उतना ही था मेरे पास गुड़। तो आके फिर मैंने एक रोटी जो बनाई थी, तो उसमें मैंने मलाई और चीनी डाली, तो शायद गौ माता को यही खाने को मन था आज। तो आप बताना कि ये मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छे लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। और अभी मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद, अभी हम नाश्ता पानी कर लेते हैं।
तो ये नाश्ता बना लिया हमने अपने लिए और बेटी को भी दे दिया मैंने, ये परांठा और छोले की सब्जी और ये करेले का अचार। मैंने थोड़ा सा ही छोला लिया क्योंकि मेरे को सुबह सुबह ना गीला खाना पसंद नहीं है, तो इस साथ में मैं करेला लिया है और परांठे के साथ करेले का अचार ना बहुत टेस्टी लगता है, तो अभी हम खा लेते हैं। अभी इस वक्त टाइम हुआ है 5 o'clock और अब जा रहे हैं हम दूध लेने के लिए। तो ये इस गली से हम टर्न हो रहे हैं, देखिए आगे का व्यू आप। हाँ छोटे छोटे आम आए हुए ना। तो ये देखिए एक डोलू और उसमें थोड़ा सा पानी है, तो अभी जा रहे हम दूध लेने के लिए। वो तो पहले आपको बता ही दिया हमने। और ये देखिए पूरा खाली पड़ा है, पूरी फुल सिटी है लेकिन ये सारा प्लॉट खाली पड़ा है, तो इसी के अंदर हम लोग जाएंगे अभी दूध लेने के लिए। चलते अभी आपका बाद में आगे दिखाती हूँ। ये देखिए ये सारा खाली पड़ा हुआ है, इतनी बड़ी सिटी है लेकिन पूरा प्लॉट खाली पड़ा है। तो चलते अभी आपको आगे फ्रंट कैमरे से दिखाते हैं आपको। ये देखिए बहुत सारा एरिया है, ये पूरा खाली पड़ा है, थोड़ा ना गंदा भी है रास्ता। ये भोले, ये जो सामने दिखाई दे रहा है आपको ये हाईवे रोड है और यहाँ पीछे तो छोटे रोड है, ये हाईवे जो आपको चलती गाड़ी दिखाई दे रही होंगी। ये देखिए ये हाईवे पड़ता है। ये देखिए नारियल का पेड़ कितना हाइट में है और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, कितना अच्छा लग रहा है ना। और ये 2-3 महीने के बाद बिल्कुल ड्राई हो जाएगा प्लेस पूरा। पहले तो हम सुबह लेके आते थे दूध, लेकिन अभी शाम को ही जा रहे हैं क्योंकि दूध वाले के पास दूध नहीं है, तो अभी शाम को ही हम लोग जा रहे हैं दूध लेने के लिए। ये देखिए शॉर्टकट रास्ता भी है बीच से, लेकिन अभी बरसात में नहीं जाते हम लोग बीच से। और ये आपको देख पानी ही पानी रास्ते में, थोड़ा शाम को अच्छा भी लगता है, वॉकिंग भी हो जाती है और दूध का भी हो जाता है काम। ये देखिए कितना बड़ा जंगल है, ऐसे लग रहा है गांव से होके निकल रहे हैं हम लोग और अच्छा भी लग रहा है। और ये बीच में है छोटे छोटे घर, ये थोड़े 2-4 घर, ये ज्यादा नहीं है। ये दुधूरे का पेड़ ये शिव जी भगवान को चढ़ता है ना फूल, और ये अभी तो खूब आएंगे यहाँ पर। ये देखिए कितना जंगल है, बहुत ज्यादा जंगल है यहाँ। वैसे वो गर्मियों में बिल्कुल सूख जाएगा, यानी आर पार दिख सकता है आदमी, जब गर्मी आती है ना अभी 2 महीने के बाद बिल्कुल सूख जाएगा। और वैसे भी ना 3-4 दिन से ना भैंसे गुम हो गई थी इनकी, तो अभी वो मिल गई है, तो कल से हमने दूध लेने पीछे स्टार्ट किया। ये देखिए ये 2-3 भैंसे ज़्यादा नहीं है, और ये बाबा भी आ रहे हैं दूध निकालने के लिए, अभी नहीं थे। तो ये देखिए तो अभी मैं दूध लेके वापस आ गई हूँ, और 5 o'clock गई थी और 6 o'clock अभी वापस आ गई हूँ। उसके आने के बाद अभी चाय वगैरह भी दे दी हस्बैंड को, और मैं वहाँ ना वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि मोबाइल की बैटरी बिल्कुल चली गई वहाँ पर, और वैसे मैंने चार्ज करने के लिए रखा था और स्विच को ऑन ही नहीं किया, और वैसे मैं उसको मोबाइल को उठाई और लेके चली गई और देखा भी नहीं बैटरी है भी है इसमें कि नहीं, तो वहाँ देखा तो बिल्कुल बैटरी चली गई, तो आगे की वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई। तो किसी दिन वो भी मैं आपको वीडियो शेयर करूंगी कि दूध को कैसे निकालते हैं वो लोग, और इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें
और मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। लाइक कमेंट जरूर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, थैंक यू। हर हर महादेव।